वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी पर आज सुनवाई होगी। ये सुनवाई ज्ञानवापी परिसर में मौजूद शेष 8 तहखानों समेत पूरे परिसर के सर्वेक्षण का आदेश देने की याचिका को लेकर होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून पर सुनवाई होनी है। सीए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। सीए को 2019 में संसद से पारित किया गया था। सरकार ने 11 मार्च को सीए को अमल में लाने के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दें। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टियों का लिंक पता चलता है। आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मीटिंग में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर चर्चा होगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। खबर यह भी है कि मीटिंग में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का भी फैसला होगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। दिल्ली की हाउस रेवेन्यू कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को शपथ में ले जाने की अनुमति दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर निशाना साधा। सिन्हा ने कहा बिहार में नीतीश कुमार ने जंगल राज को खत्म करने की कोशिश की थी लेकिन आरजेडी ने ऐसा होने नहीं दिया। सीएम ने सदन में भी कहा था कि ये लोग नहीं सुधरेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच सीट शेयरिंग फार्मूला तैयार नहीं हुआ है। इस बीच इसको लेकर पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने नाराजगी जताई। एचडी कुमारस्वामी ने कहा उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से उनकी पार्टी को 3 से 4 सीटें देगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शक्ति वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। राहुल गांधी के पोस्ट पर प्रियंका गांधी ने पोस्ट करते हुए लिखा प्रधानमंत्री जी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के मास्टर हैं। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है लेकिन प्रधानमंत्री की प्राथमिकता विपक्षी नेताओं के बयानों को घुमा फिराकर जनता का ध्यान भटकाना। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का दर्द अपने ही नेताओं ने बढ़ा रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह हिमाचल की मंडी सीट से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। प्रतिभा सिंह मंडी से ही 2019 में सांसद चुनी गई थी।